जैन स्टूडेंट, आज नया पाठ पढ़ने जा रहे हैं एवरेस्ट बेरी शिखर यात्रा। आप सभी ने माउंट एवरेस्ट का नाम जरूर सुना होगा और कोई बच्चे अगर पर्वतारोहण का शौक रखते हैं तो अवश्य जानते होंगे कि एवरेस्ट जो है सर्वोच्चतम शिखरों में से एक है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं बचेंद्री पाल के विषय में और आपकी जानकारी के लिए जानना अपेक्षित है कि भारत की प्रथम महिला थी जिन्होंने माउंट एवरेस्ट शिखर पर वो पहुंची थी। वो पहले वे दूर से ही माउंट एवरेस्ट को देखा करती थी, लेकिन जब उनके बचपन से ही यह इच्छा थी कि वे माउंट एवरेस्ट के शिखर पर पहुंचे, इसके लिए उन्होंने प्रशिक्षण भी लिया और अभियान दल माउंट एवरेस्ट शिखर की यात्रा के लिए नियुक्त किया जाता है। इसमें बचेंद्री पाल का भी चयन हुआ और वे एवरेस्ट की शिखर यात्रा के लिए चुनी गई। लेकिन कहते हैं कि ये जो प्रशिक्षण है ये इतना सरल नहीं है, इसके लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है और एक महिला होने के साथ साथ स्वयं उत्तरांचल प्रदेश में रही और इस वजह से हो सकता है कि पहाड़ी आवरण और पहाड़ी जगह से इनका ताल्लुकात रहा और इसी वजह से ये इतनी ऊंचाई पर पहुंच सकी। जब ये एवरेस्ट शिखर यात्रा के लिए गई तो उससे पूर्व भी कुछ सूचनाएँ मिलने लगी। ऐसा लगने लगा कि वहाँ पर मौसम में बदलाव के कारण काफ़ी सारी समस्याएँ आती हैं। हाल ही में जो अभियान दल गया था उनमें से अभी वे ऊपर फंसे हुए हैं। हालांकि प्रारंभ में इस प्रकार की सूचना सुनना बड़ा ही दुखद लग रहा था, लेकिन अभियान दल के नेता कर्नल खुल्लर ने सभी प्रशिक्षार्थियों को का उत्साह बढ़ाते हुए, उनका मनोबल बढ़ाते हुए बताया कि एवरेस्ट जैसी शिखर यात्रा में यदि हम मुसीबतों से घबरा जाएंगे तो यह अभियान अधूरा रह जाएगा। नेता प्रेमचंद ने अपने अग्रिम दल के साथ जाकर ऊपर शिखर तक के लिए कैंप का रास्ता चिन्हित कर दिया था। उन्होंने यह बता दिया था कि आगे किस प्रकार की समस्याएं आएंगी, किस प्रकार से आपको उससे आगे निकलना है और कोई भी यदि भटकाव होगा तो वह अपने निचले कैंप में इसकी सूचना देगा। डॉक्टर मीनू मेहता का भी नाम विशेष रूप से इस पाठ में आता है, जिन्होंने एल्यूमिनियम की सीढ़ियों से अस्थायी पुलों का बनाना, लट्ठों और रस्सियों का उपयोग, बर्फ की आड़ी तिरछी दीवारों पर रस्सियों को बांधना और अग्रिम दल के आभियंत्रिक कार्यों के बारे में विस्तृत जानकारी दी। लेखिका के साथ अनुदोर्जी, लोपसांग, गगन बिस्सा सहयोगी कर्मी थे और लेखिका पूरे उत्साह के साथ एवरेस्ट की शिखर यात्रा के लिए जाने लगी। 15 मई 1984 को बुद्ध पूर्णिमा का दिन लहोत्से की बर्फीली सीधी ढलान पर लगाए गए सुंदर रंगीन नायलॉन के बने तंबू के कैंप 3 में थी। जी, एवरेस्ट शिखर पर पहुंचने से पूर्व जगह जगह कैंप लगाए जाते हैं, कैंप 1, कैंप 2, कैंप 3, ताकि हम अपने कैंप को सूचना दे सके। यदि किसी प्रकार की आपको सहयोग की आवश्यकता है, कोई मुसीबत में है, तो वह अपने निचले कैंप को इसकी सूचना दे सकता है। लेखिका के साथ भी जब वो कैंप 3 में थी तो एक बहुत भारी दुर्घटना घटी। रात्रि 12:30 बजे जब वे अपने कैंप में थी तो हिमस्खलन के कारण एक बर्फ का बहुत बड़ा पिंड उनके तंबू पर आकर गिरा। वे बाल बाल बची, अन्यथा उनका सिर फट सकता था और उनका टेंट पूरी तरह से ध्वस्त हो गया था। उनके मित्र ने अपनी स्विस छुरी के द्वारा उन्हें बाहर निकाला और लेखिका बाल बाल बची। इस तरह से हम कह सकते हैं कि एवरेस्ट जैसी यात्रा में जान का खतरा तो होता ही है और लेखिका ने वह खतरा मोल भी लिया। उत्साहित थी, वे डरी हुई नहीं थी। सुबह तक सारे सुरक्षा दल आ गए थे। 16 मई को प्रातः 8 बजे तक लेखिका सभी कैंप 2 पर पहुंच गए थे, जिस शेरपा की टांग की हड्डी टूट गई थी, क्योंकि एक शेरपा की हड्डी भी टूट गई थी जब ये इस प्रकार की दुर्घटना घटी थी। जैसे ही लेखिका साउथ कोल कैंप पहुंची, अगले दिन की महत्वपूर्ण चढ़ाई की तैयारी उन्होंने शुरू किया। ये साउथ कोल जो है बहुत ही ऊंचाई पर और बहुत ही सकरा स्थल है, वहां पर पहुंचना सरल नहीं है क्योंकि वहां पर 2 लोगों के खड़े रहने के लिए भी जगह नहीं है। लेखिका ने सोचा कि वह अपने निचले कैंप के लोगों की कुछ मदद की जाए, तो उन्होंने चाय बनाया और कुछ चॉकलेट लेकर वे नीचे आने लगी। यह एक बहुत ही जोखिम भरा कार्य था और उन्होंने ये ऐसा किया,
उनके जब सहयोगी ने पूछा कि तुमने ऐसा क्यों किया, तो उन्होंने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया कि हमें कैंप में यह प्रशिक्षण दिया गया है कि कैंप में अपने अपने साथ अपने सहयोगी दलों की भी हमें रक्षा करनी है। थोड़ी देर बाद साउथ कोल कैंप से लहाटू और बिस्सा लेखिका को मिले और सब साउथ कोल पर सुरक्षा और आराम की जगह उपलब्ध थी उस पर लौट आए। अगले दिन सुबह 4 बजे उठ गई, बर्फ पिघलाया और चाय बनाया। इस तरीके से वहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि टेम्परेचर इतना अधिक होता है कि पानी भी जम जाता है, लेकिन वहाँ पर अपने आप को इस तरीके से ढालना होता है कि आप अपने अभियान में सफल हो सके। अंगदौर जी का खास तौर पर जिक्र होता है कि अंगदौर जी बिना ऑक्सीजन के ही चढ़ाई करने वाला था, लेकिन इसके कारण उसके पैर ठंडे पड़ जाते थे, इसलिए वह ऊंचाई पर लंबे समय तक खुले में और रात्रि में शिखर कैंप पर नहीं जाना चाहता था। इसलिए उसे या तो उसी दिन चोटी तक चढ़कर साउथ कोर पर वापस आ जाना था अथवा अपने प्रयास को छोड़ देना था। सुबह 6:20 पर जब अंगदौर जी और लेखिका साउथ कोर से बाहर आ निकले तो दिन ऊपर चढ़ा है। हल्की हल्की हवा चल रही थी लेकिन ठंड भी बहुत अधिक थी। यहाँ तापमान का जिक्र किया जा रहा है कि किस प्रकार का वहाँ पर तापमान होता है और उस तापमान में अपने आप को अनुकूल बनाना पड़ता है, क्योंकि यदि बीमार पड़ गए तो अच्छा खासा जो आपका पूरा जो जो प्रशिक्षण है, जो पूरी जो आपकी जो ऊपर चढ़ने के लिए जो आपने हिम्मत जुटाई है, वह सब का सब धरा का धरा रह जाता है। 2 घंटे से कम समय में ही लेखिका शिखर कैंप पर पहुंच गई। अंगदौर जी ने पीछे मुड़कर देखा और लेखिका से कहा, थक गई? लेखिका ने जवाब दिया, नहीं। जिसे सुनकर वे बहुत आश्चर्यचकित हुए। आप सोच सकते हैं कि एक महिला होते हुए उनमें अपूर्व उत्साह था, और जब तक इस कार्य के लिए उत्साह नहीं होगा, उत्साह की कमी रहेगी, तो हम किसी भी कार्य में सफल नहीं हो सकते। लेखिका की सांसें मानो रुक गई थी। 23 मई 1984 के दिन दोपहर की 1:07 पर वे एवरेस्ट की चोटी पर खड़ी थी। वे पहुंच गई थी एवरेस्ट के शिखर पर। एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली लेखिका पहली महिला थी, और एवरेस्ट शिखर पर पहुंचने के बाद वहां पर खड़े होने के लिए भी सही जगह नहीं होती। उन्होंने हनुमान चालीसा निकाला और उसे वहीं पर रखा, अपने ईश्वर को याद किया, अपने माता पिता को याद किया, और जब वे सफल हुई तो नीचे आकर के उन्हें शाबाशी दी गई और ये बताया गया कि तुम बहुत ही मेहनती थी, तुमने अपने हिम्मत और उत्साह का पूरा परिचय दिया। कर्नल खुल्लर हमारी सफलता से बहुत प्रसन्न थे। उन्होंने लेखिका को बधाई दिया। उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारी अनूठी उपलब्धि के लिए तुम्हारे माता पिता को बधाई देना चाहूँगा, है ना। हमारे अंदर माता पिता का सबसे ज़्यादा बड़ा योगदान होता है, वो हमारे लिए मार्गदर्शक भी है, वह हमारे लिए प्रेरणा के स्रोत भी है। और लेखिका ने भी जब यह बचेंद्री पाल ने जब यह अभियान पूरा किया तो उन्होंने अपने माता पिता को भी इसके लिए धन्यवाद किया। ठीक है।